जस्सी जैसी कोई नहीं। नंदू बता रहा था कि जस्सी जिंदा है, कहां छुपा रखा है मेरी बेटी को? वो जहां भी अपनी मर्जी से है पापा जी। ये सच है कि मैंने तुमको पापा जी कहने की इजाजत दी थी, लेकिन ये सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बत का, हमारी बच्ची को ही हमसे छीन लिया। वो आपसे दूर नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? देखिए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी बेटी को। नहीं, आप पहले ही उसे एक बार मरा हुआ मान चुके, दोबारा मत कहिए। जस्सी जिंदा है। मैंने जो जस्सी से कहा था तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बेटी ऐसी कोई बात की चीज दूसरे से नहीं करती। जस्सी ने बताया था। झूठ बोलेंगे आप। जस्सी का एक मकसद है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता वो वापस नहीं आ सकती। अपने माँ बाप और बेबी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है उसका मकसद? देखिए, अगर वो कुछ दिन और अगर हमसे नहीं मिली तो हम सब मर जाएंगे। प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी, सब मत कहिए प्लीज। तुम जस्सी, जस्सी मर जाएगी। अब आप अभी जाइए यहां से, मुझे कोर्ट के लिए तैयारी करनी है। बड़ी हो गई मेरी क्वीन विक्टोरिया, वो मेरी ही आंखों में धूल झोंकती रही। सब मेरी गेटी है, सब मेरी गलती है बेटा। मेरी बेटी इतने पास थी, मेरे अब उसे पहचान नहीं सका। लेकिन बेटा, तेरी माँ और तेरी बेबे का इसमें क्या कसूर था बेटा? और तू इतने दिनों तक हमसे ऐसे, इतने दिन बेटा ऐसे, तू इतने दिनों तक हमसे दूर कैसे रह सकी बेटा? मैं कैसे रह पाई हूँ मुझे ही पता है, इसीलिए तो मैं अजनबी बनकर घर में आती रही, ताकि मैं आप सबके पास रह सकूं पापा जी। क्या ये इतना जरूरी था बेटा? जरूरी था पापा जी, ताकि मैं अपने और आपके नाम पर लगे दाग को मिटा सकूं मैं, ताकि मुझे कोई चोर ना दे सके पापा जी, ताकि मैं फिर से आपकी क्वीन विक्टोरिया बन सकूं, मैं फिर से उसी घर में आ सकूं जहां से मैं गई थी पापा जी। जरूरी था बेटा, तू घर चल, तू घर चल बेटा, तू वापस चल बेटा, तू चल बेटा। मैं अभी नहीं आ सकती हूँ पापा जी, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं नहीं आ सकती। बेटा तू सलाखों के बीच में कैसे रह सकती है बेटा? तू दुनिया को सच क्यों नहीं बता देती बेटा? क्यों नहीं बता देती तू? मैं सच बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर। वक्त कब आएगा बेटा? मैं उसे अपने घर ले जा सकूंगा बेटा? कानूनी जानकारों के अनुसार अगर जैसिका बेदी के पास कोई स्ट्रैटेजी है खुद को बचाने के लिए, तो कल का ही एक दिन बचा है जब ये अमल करने वाला होगा।
कैसा हो पाता है ये तो कल ही पता चलेगा। इस सब पर पूरी खबर एनडीटीवी इंडिया पर हम एक एक पल की सारी जानकारी आपको देते रहे। सब बेकार की बातें हैं। जब जस्सी को कुछ हुआ ही नहीं तो केस काहे का है? तू ठीक करिए बेबे, जस्सी को कुछ नहीं हुआ। पर पहले तो तूने, अरे बेबे मैं उससे मिलकर क्या रहूं? आप सच कह रहे ना, हमारे जस्सी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अमृत मिल के आ रहा हूँ मैं उससे। तो कहाँ है वो, कैसी है, और आप उसे लेके क्यों नहीं आए? आज तो नहीं लेकिन कल के बाद हम उसको घर लेंगे। आप मुझे उसके पास लेके चलिए। देख अमृत, जब इतना सब्र किया है तो एक दिन का सब्र और कर लेना। ले तू पहले मुंह मीठा कर। और ये ले बेबे। दिल तो हमेशा जानता था मेरा, बस कानों से सुनना बाकी था। अरे कोई मुझे भी तो बताएगा कि क्या बात है। जैसिका ही जैसी है। क्या जैसिका, जैसिका अपनी जैसी है, मेरी बेटी। मेरा दिल कहता था कि उसमें जैसी जैसी बात जरूर है कोई, आखिर वो बात सच निकली। अपनी जस्सी को शक्ति देना बाबा जी, आज उसका इम्तिहान है। आज बहुत दिनों बाद इस घर में उम्मीद की किरण नजर आई है बाबा जी। एक माँ की आस को पूरा कर दो, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। आपने हमारी जस्सी को इतने दिनों हमसे दूर रखा बाबा जी, आज जब वो इतने पास है उसे कुछ होने मत देना। सलमान सूरी, आप जैसिका और जैसी दोनों को जानते हैं, क्या आपको लगता है जैसिका ने खून किया है? आपको क्या लगता है कि जैसिका अपना बचाव क्यों नहीं कर रही है? आप अभी उनसे मिलकर आए, क्या कहा है उन्होंने आपसे? मुझे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, थैंक्स। आप सभी के सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, जीत हमेशा सच की होती है, और इसलिए जैसिका ने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। पर क्या आपका ये मानना नहीं है कि जैसिका हैज एन एस अप हर स्लीव, वो एक सही मौका देखकर अपना सारा खुलासा करके बच नहीं जाएंगी? देखिए, अगर आप इस तरह के बेतुके सवाल मुझसे करेंगी तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। बात सिर्फ इतनी है, कोर्ट में इंसाफ होता है और जैसी को भी इंसाफ मिलकर ही रहेगा। जैसिका ने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। कोर्ट रूम में और शतरंज में बाजी कभी भी पलटी जा सकती है, मुझे लगता है यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा। जैसिका फील, बिल्कुल सही कहा राज, शायद जैसिका को फांसी की सजा ना हो। उम्र कैद तो होके ही रहेगी। जैसिका खूनी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं, फिर सजा मिलने का सवाल ही नहीं उठता। मिस्टर ठकराल, मिस जैसिका बेदी का गुनहगार पाया जाना अब 100% पक्का है। उसके चाहने वालों से कह दो कि सोग मनाना शुरू कर दें। शी विल बी प्रोसिक्यूटेड बाय हुक और क्रुक।
प्लीज। अच्छा चलो। कादी मेरी बच्ची, मैं चली गई थी। कादी बच्ची, मैं आप लोगों के साथ नहीं थी, लेकिन आपके प्यार के सहारे जी रही थी मम्मा। मैं कुछ मत बोल बेटा, तेरे कुछ कहे बगैर ही मैं समझ गई थी मेरे इस बूढ़े दिमाग ने ना पहचाना हो, पर मेरा दिल हमेशा से जानता था बेटी, तभी तो मैं जिंदा थी। और अब जा और अपने मकसद में कामयाब हो बेटा। बाबा जी, बाबा जी का आशीर्वाद तेरे साथ है, हम लोग जरूर जीतेंगे। चलिए चलिए, देर हो रही है। और जस्सी के सारे जानने वालों के बयान सुनने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जस्सी बड़ी ही सीधी सादी, भोली भाली और सिंपल सी लड़की थी, जिसे कोई भी बेवकूफ बना सकता था। ये पॉइंट नोट किया आपने? ओह आई एम सॉरी, ये पॉइंट तो पहले ही आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए तो आपने उसे उसे बेवकूफ बनाया, धोखे से उसके पैसे ले लिए, उसके दस्तखत करवाए और फिर उसका खून कर दिया। मिस जेसिका बेदी, अपने खुद के वकील होने के नाते अपने आप पर लगे हुए इल्जाम पर आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। सॉरी योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। अदालत की कार्रवाई की जानकारी किए बिना आपने जो खुद का वकील बनने का फैसला किया है, ये आपको महंगा पड़ सकता है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूं जो मेरे पॉइंट को और भी अंडरलाइन कर देगा। मिस मलिका सेठ, रक्षा करना। आज का दिन तो तुम कभी नहीं भूलोगी जैसिका बेदी। वो दिन और था जब तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन आज आज सब कुछ बदल गया है। आज मेरी जीत और तुम्हारी हार का दिन है। यू मे प्रोसीड। जैसी ध्यान से बेटा, ये कोर्ट है, कुछ गड़बड़ मत कर देना। मिस मलिका, आप जसमीत वालिया के बारे में कोर्ट को क्या बता सकती हैं? योर ऑनर, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में आप सिर्फ अच्छी बातें कह सकते हैं। बस ऐसी ही थी जसमीत वालिया, हमारी जस्सी। ये बात शायद मैं जस्सी से कभी कह नहीं पाई, लेकिन हमेशा से ही मेरे दिल में थी। जस्सी जितनी मेहनती, काबिल, होनहार और ईमानदार लड़की शायद ही इस दुनिया में कोई और होगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी और जस्सी की काफी बनती थी। जी, अगर आप ये कहें कि जस्सी और मेरे बीच में कभी कोई टेंशन नहीं था तो ये बात सही नहीं होगी, लेकिन देखिए ना, मैं उसकी सीनियर हूँ और फिर हमारी जॉब्स इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी हाई टेंशन होती है कि कभी कभी सीनियर होने के नाते
जिस तरह मैं दूसरों को डांटती थी जैसी को भी डांट देती थी, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसे हो जाता था। बट इन बातों की वजह से जैसी के लिए मेरे दिल में इज्जत कभी कम हो ही नहीं सकी। जैसी मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और ऑफिस के लोगों में सबसे ज्यादा मुझे जैसी ही पसंद थी। मैंने तो जैसी की सच्चाई, उसकी लगन, उसकी श्रद्धा पे कभी भी शक नहीं किया। इनफैक्ट एक पॉइंट तो ऐसा आया जब हम लोगों ने गुलमोहर की सारी बागडोर जैसी के हाथों में दे दी थी। हम सब बिल्कुल खुशहाल एक परिवार की तरह जी रहे थे और तब ये औरत जैसिका बेदी गुलमोहर में आई। इसके आने से आपस में झगड़े होने लगे, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, हर कोई बस जैसे बिखर सा गया। आपको अगर मेरी बातों का यकीन नहीं होता आप ऑफिस के दूसरे लोगों से पूछ लीजिए। ये सबको बहकाने लगी, हम सबको बहकाने लगी, और फिर जैसी, बेचारी जैसी तो सीधी सादी भोली भाली थी, वो इसके बहकावे में कैसे नहीं आ सकती थी। जरा सोचिए, जैसी तो कभी ये नहीं चाहती थी कि गुलमोहर उसके पास भी रहे। उसने तो यही कोशिश की थी कि वो हमारे यानी कि गुलमोहर के असली मालिकों के पास आ जाए, और ये बात उसने अपने दोस्त नंदन वर्मा के थ्रू हमसे कहकर भेजी थी। तो आप ही बताइए योर ऑनर, क्या जैसी गुलमोहर को इस औरत के हवाले कर देगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। कहने का मतलब यह है मिस मलिका कि अगर जैसी जैसी सीधी सादी भोली भाली सिंपल सी लड़की को अगर अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाया जाए तो उसके लिए जोर जबरदस्ती और जालसाजी जैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, राइट? जी जी बिल्कुल सही। यह भी तो हो सकता है कि वो गुलमोहर को टेक ओवर करना चाहती हो बाय हुक और बाय क्रुक। उससे पेपर्स पर साइन करवा लिए गए और साइन हो भी गए योर ऑनर, लेकिन मिस जैसिका बेदी के दिल को चैन नहीं मिला। इन्हें सारे के सारे सबूत मिटाने थे और इन्होंने जैसी को मिटा दिया इस दुनिया से। योर ऑनर, केस जो है आईने की तरह साफ है। एक पॉइंट ये नोट करने वाला है योर ऑनर कि क्या मिस जैसिका बेदी सच को मानती हैं या नहीं मानती। मेरी तो मिस जैसिका बेदी को यही सलाह है कि वो अपने जुर्म का इकबाल करें और कन्फेस करें। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुझे कन्फेशन की नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत है। परमिशन मिस जैसिका बेदी, आप जो चाहे कर सकती हैं, आपको पूरा हक है। कई बार जो पॉइंट आखिर में सामने आता है वही पिछले सारे पॉइंट्स को काटने में काफी होता है, आपने ये शायद नोटिस किया होगा। जसमीत वालिया मर्डर केस और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। सुपर मॉडल जैसिका बेदी के दलीलों के चलते मल्लिका सेठ कुछ उलझती हुई सी नजर आई हैं। मगर एक बात जो सामने आती है कि जैसिका बेदी कुछ ठोस एविडेंस या प्रूफ पेश नहीं कर पा रही हैं, जिससे लगता है कि शायद वो अपने आप को बरी नहीं करवा पाएंगी। मुंबई से ऋचा पाठक गौर, NDTV इंडिया के लिए। इजाजत है योर ऑनर? यस मिस बेदी। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं मलिका सेठ, आज तुम्हारे चेहरे का नकाब उतरने वाला है।
आज तुम खुद सारी दुनिया के सामने कहोगी कि जस्सी बेकसूर थी और उसे फंसाने वाली थी तुम। एक लड़की है सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।